सो गाइस वेलकम बैक जी के इलेक्ट्रिकल चैनल और स्वागत है आपका अपने चैनल जी के इलेक्ट्रिकल्स में। तो ये हमारा क्लास ए बी का TDA 7297 IC के इसमें दो बोर्ड लगे हुए हैं, जो कि एक IC दो चैनल की, यानी एक बोर्ड चार चैनल का हो गया, यानी इस पर एक बोर्ड पर चार स्पीकर 15-15 वाट के बजा सकते, एक IC 30 वाट की है तो इसमें 15-15 वाट के एक प्लेट पर चार बजा सकते हो, दोनों बोर्ड पर 30। अब जब मैंने ये अपने लिए बनाया था तो इसका फ्रंट दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का है, काफ़ी अच्छा। अब तो मैंने 280 बाउंसों वाले 600 वाट वूफर और 200 वाट सैटेलाइट स्पीकर्स के लिए, यानी कि 10-10 इंच के स्पीकर के लिए लगा लिया है, बट तो इनकी जरूरत मेरी ख़त्म हो गई है। तो अभी क्या, मैं एक प्लेट को तो चलाता था बेस पे और एक को सिर्फ साउंड के लिए चलाता था। तो अभी क्या, इसमें हम 100 वाट का 280 बाउंस होगा, एक सेलफोन का किट फिट करेंगे और ट्रांसफार्मर 24024 पूरी वायरिंग हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो ये खुद का बनाया हुआ ब्रिज रेक्टिफायर है, तो ये सीधे सीधे आपके 10 वोल्ट बढ़ा देगा। अगर आप उसे 43 दोगे तो 33 वोल्ट 30-30 दूंगा और आउटपुट में 40-40 मिलेगा। तो उसका जो पावर पंच है, जो 100 वाट का है और 200 वाट का जो किट है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी शानदार हो जाएगा। तो इसमें से मैं इन दोनों किटों को निकाल लूँगा और सिर्फ एक 200 वाट का सेलकोन का 280 बाउंस वाला एम्पलीफायर लगा के दिखाऊंगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के साथ बने रहें तक, और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी। तो ये खुद का होममेड बनाया हुआ कैबिनेट, एम्पलीफायर बॉडी वगैरह सब चीज़ खुद का है, और इसमें मैंने RGB लाइट्स और इसको कूल करने के लिए फैन भी लगा रखा था, और पूरा ही एम्पलीफायर ट्रांसपेरेंट था, तो इसकी लुक बड़ी क्लासिक और बड़ी बेहतरीन आती थी। तो अभी इसकी ये हालांकि अभी भी ओके कंडीशन में, दोनों ही चैनल दोनों ही प्लेटें चल रही हैं, बट अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने इससे ज़्यादा पावर वाला बना लिया है। तो एक कम हमारे यूट्यूबर्स जो हमारी वीडियो को देखते हैं, उनका कमेंट आया था कि 200 वाट और 100 वाट एम्पलीफायर को मतलब बना के दिखाइए, तो मैं इस बॉडी में बनाऊंगा। आप चाहे तो किसी और बॉडी में बना सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका सेम ही होगा। और पावर सप्लाई अगर बनानी है, ऐसी पावर सप्लाई आपको 300-400 रुपये मिलेगी। आप मात्र 100-150 रुपये में इस तरह की पावर सप्लाई खुद से घर पे बना सकते हैं। तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इसका इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चैनल पर रहें तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।
दोस्तों बॉडी वो कर दी हमने बिल्कुल खाली, और दोनों किट दिखा दी मैंने कि दोनों किट इसके अंदर से बाहर निकाल ली। और जो इसके अंदर मैं फिट करने वाला हूँ वो ये वाला बोर्ड है जो कि आपको दिख रहा होगा, सेलगोन टकारा सीरीज का, और 200 वाट का यानी 100+100 वाट का मोनो बोर्ड स्टीरियो बोर्ड है, यानी स्टीरियो बोर्ड है वैसे तो, यानी दो चैनल आप इस पर 10-10 इंच के 100-100 वाट के दो स्पीकर से बजा सकते हैं। और पर्सनली मैं इसको पर्सनली काफ़ी यूज़ किया है तो काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट और काफ़ी अच्छा इसका साउंड क्वालिटी है। तो ये वाला बोर्ड लगेगा, ये ट्रांसफार्मर है, और जो इसके हम बेस टेबल यूज़ करेंगे वो भी सेलकोन टकारा सीरीज का ही हम यूज़ करने वाले हैं। और जो इसके अंदर हम पावर सप्लाई यूज़ करेंगे, जो पावर सप्लाई की कैपेसिटर की जो वोल्टेज है 50 वोल्ट 33 एमवी के करेंगे। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, यहाँ से ट्रांसफार्मर के इनपुट और यहाँ से हम डीसी 40-40 का आउटपुट ले लेंगे। तो यही थोड़ा सा सामान लगा के, और एक इसमें ब्लूटूथ कार्ड ऑलरेडी पहले ही से लगा हुआ है, तो इन सामान से आज हम इसके अंदर और LED वगैरह लगा के सब चीज़ लगा के इसको हम आज बनाने वाले। तो चैनल बनाए तो चैनल के साथ जुड़े रहिए अंत तक, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों दिखा दूं मैं, जो पूरी बॉडी मैंने खाली कर ली थी, ये सप्लाई के नीचे एक थर्माकोल की शीट लगा दी ताकि, क्योंकि पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की है, टच ना हो। और एक किट, क्योंकि इसकी हीट सिंक में एक्स्ट्रा कोई होल नहीं है, तो इसकी एक जो ट्रांजिस्टर जिससे कसा हुआ था उसी में लंबा स्क्रू लगा के अपनी बॉडी पर यहाँ लगा देंगे। और ब्लूटूथ बेस ट्रैवल किट दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ सेट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ सेट हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा पावर सप्लाई, और कुछ इस तरीके से दिखा दूँ मैं, कुछ सारा सेटअप हमारा इस तरीके से माउंट हो जाएगा। तो फटाफट मैं आपको ये सारी चीज़ें माउंट करके, और फिर माउंट करके सारी वायरिंग करके, और इसकी जो ट्रांसफार्मर की ये इधर आ जाएगा, स्क्रू वगैरह है, कोई सोल्डिंग वगैरह नहीं करनी हमें। तो सबसे पहले इसको ग्लू गन की मदद से अच्छे से इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसकी माउंटिंग करेंगे। तो इसको यहाँ पूरा पीछे की तरफ मिला के मैं इसको माउंट करूँगा, आप चाहें तो इसको नीचे की तरफ कुछ ऐसे भी माउंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, जिससे क्या होगा बड़े ही आसानी से ये यहाँ पे वायर आ जाएगी और इसकी यहाँ पे आ जाएगी। और अब एक प्रॉब्लम हमें यहाँ आती है, क्योंकि इसे मैंने 12-0 12 या 12-0 के लिए कोई सप्लाई नहीं बनाई, क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर में भी ऐसी कोई सप्लाई नहीं है। और ना मैं भी ये नहीं चाहता कि इसमें से ही 78-0 12 लगा कर मैं इसको सप्लाई दूँ, प्योर इसको जो सप्लाई जा रही है वो जानी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा 12 वोल्ट का मॉड्यूल या आप अडेप्टर यूज़ कर सकते हैं फैन वगैरह बाकी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए। अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है 12-0 और 24-0 24 का, तो आप इसी में इनबिल्ट सप्लाई बना सकते हैं अलहदा से, वरना तो आप चाहें तो इसमें भी ले सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे एम्पलीफायर में पावर में थोड़ा डिस्टोर्शन होता है, तो वो इसलिए ना हो, तो इसलिए मैं इसको अलग ही लगाने वाला हूँ। तो अभी हमारी तो ये सब चीज़ें मैंने ऐसे लगा दी। और दोस्तों मेरे वार्सल ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने जो मेरे पर रिपेयर करी हुई ख़राब आई चीज़ें वो मैंने वार्सल के रूप में ट्रांसफार्मर को अटैच करने में लगा दिए, और ऐसे ही किट को अटैच करने में मैं एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये मैं दिखा दूँ, ये देखिए एक IC का यूज़ कराया मैंने ताकि इस पूरी किट को अटैच कर लिया जाए। तो कुछ इस तरीके से लगा के इसको जितना फुल्ली टाइट हो सके आप टाइट कर दीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर ट्रांजिस्टर भी अटैच है और पूरा किट आपका इसी के ऊपर अटैच है। तो इसको पूरा अच्छी तरीके से टाइट कर लीजिएगा, तभी पूरा हीट बॉडी में सेपरेट होगा और आपकी किट अच्छा वर्क करेगी और ठंडी रहेगी। वैसे तो हम इसमें एक फ़ैन भी लगाएंगे, फ़ैन तो हम हमेशा हर चीज़ में अपने लगाते हैं ताकि हमारी कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमारी सप्लाई, हमारी वायर कनेक्शन पूरी होती है, बट अभी भी हमने एक गलती कर दी, इसमें ऑडियो इनपुट नहीं करी, तो अब हमें किट दोबारा खोलनी पड़ेगी दोस्तों। बट कोई बात नहीं, आपको दिखा दिया, अब मैं इसकी वायरिंग जल्दी से करके और एक अलग से सप्लाई लगा के इसको भी
फुल वायरिंग करके और फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये रही इस बेस्टेबल बोर्ड की पावर सप्लाई, तो चलिए फिर करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी सारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो एक बार वायरिंग बता दूँ। तो जो ये पावर सप्लाई है 12-0 है DC, जो कि हमारे फैन, LED और ये जो बेस ट्रेवल बोर्ड है इसके लिए, ब्लूटूथ कार्ड के लिए। बाकी जो पूरा ट्रांसफार्मर की जो पूरी पावर, जो उसकी पूरी एफिशिएंसी है, वो पूरा सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल किया है ताकि कोई भी डिस्टॉर्शन ना हो। तो ये भी डायरेक्ट AC पर चलेगा। तो ट्रांसफार्मर की जो हमारी जो इनपुट है ना, इसी पे हम इसको सोल्ड कर देंगे। और दोस्तों वायरिंग पूरी अगर मैं दिखाता, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करके दिखाता, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बट कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप समझ सकते हैं। ये इसकी मेन वायर, यहाँ से निकली 12-0-12, ये अपना बनाया हुआ है। इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन की लिंक में दे दूंगा। तो यहाँ से इनपुट कर, यहाँ से आउटपुट सीधा इसमें चले गई, ग्राउंड पॉजिटिव, ग्राउंड नेगेटिव, और यहाँ से हमारी 12-0 इसके अंदर आ गई। यहीं से हमने इसमें से 78.05 इसमें ऑलरेडी लगी हुई है, तो 5 वोल्ट DC और ऑडियो इनपुट यहाँ से कर दिए। और अब ये इसकी लास्ट वायर भी लगा लेते हैं और बहुत जल्दी इसकी साउंड टेस्ट कराते हैं। तो अभी रात के 12:30 बज चुके हैं, तो साउंड टेस्ट फुल आवाज़ में नहीं हो पाएगा, बहुत थोड़ा या एक छोटी सी वीडियो साउंड टेस्ट की मैं इसकी डाल दूँगा, जो कि पार्ट टू रहेगा इसका। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, और इसके अंदर हम लगा लेते हैं अपने वायर को, सोल्ड कर लेते हैं। तो वायर को सोल्ड करने से पहले सबसे पहले ये जो येलो वाली वायर है इसको हम यहीं से काट लेंगे। और दोस्तों इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखें, कहीं भी सोल्डिंग ड्राई ना रहे और कोई भी चीज़ हिलता हुआ ना हो, सब चीज़ अच्छे तरीके से फिक्स होना चाहिए, तभी तभी आपके लिए अच्छा होगा, वरना शॉर्ट सर्किट वगैरह जैसी प्रॉब्लम आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ऐसा ना हो आपके साथ, आपके सेट में कोई गड़बड़ी ना आए, तो दोस्तों उसके लिए अच्छे से इसको अच्छे से हर जगह इसको फिट कर लें, और तभी इसको इसका साउंड टेस्ट पहले इस श्योर हो जाए कि हमारा जो हमने जो किट लगाई है वो अच्छे से अटैच हो गई है, हर तरफ से अच्छे से सेट हो गई है, तभी इसकी वायरिंग करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और अगर इस काम में आप नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके इस काम को किसी के सामने करें, अकेले में ना करें, वरना आपको करंट लगने का भी चांसेस हो सकते हैं। तो पहले इस तरह की वायर को हम लपेट लेंगे ताकि जब भी कोई वायर पे झटका लगे या कोई खींचे तो हमारी जो वायर है, तो जो हमारी जो वायर है ना दोस्तों, जो हमारी वायर है वो खींचे ना और ट्रांसफार्मर पे जोर ना पड़े। तो इसको मैं इधर से लूँगा, वैसे मेरे पास जो कनेक्टर्स होते हैं जो कि इस तरह के या कुछ अलग तरह के, वो अभी ख़त्म हो गए हैं, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लगा दूँगा। तो एक वायर इधर से और एक वायर इधर से अच्छे तरीके से इसको सोल्ड कर लूँगा। और क्योंकि पूरा बॉडी ये एलुमिनियम का है और इस पर पेंट भी नहीं है, तो करंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब भी इसको चलाएं तो इसको चेक कर लें, इसकी वायर वगैरह कहीं से कटी पिटी तो नहीं है, वरना आपको शॉर्ट करंट लगना या शॉर्ट सर्किट की समस्या भी हो सकती है, पूरा एम्पलीफायर आपका डैमेज भी हो सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है डैमेज की। तो ये लगा लेता हूँ मैं एक, तो एक ही सोल्डिंग लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे,
एक सोल्डिंग लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब ये हमारा रेडी हो चुका है सेट चलने के लिए। और इसमें बस एक मेन चीज़ रह गई है, ये हमारी मेन लीड हो गई। और इसमें अब एक चीज़ रह गई है, तो उसको भी मैं दिखा दूँ क्या चीज़ रह गई है। तो इसको निकाल लेते हैं। और यार इसका कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये सीट जो है मोटी है और वॉल्यूम के नट नहीं कस पा रही इसका अच्छे से। तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बट एक कमी रह गई है अभी, जो कि ये है। तो इसकी वायर यहाँ पे अटैच होनी है, तो इसको हमें थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। और लंबा करने के लिए अब हम इसको इसके साथ लगाने वाले हैं। तो देख सकते हो इसकी वायर भी मैंने लगा दी। और एक बार पूरा लुक दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का लुक आया है हमारे एम्पलीफायर का। ये हमारे एलईडी लगाने हैं हमें 12 वोल्ट की एलईडी, यानी इसमें प्लस माइनस 12 वोल्ट आउटपुट हैं दो जगह। एक तो इसको लगा देंगे और सेकंड एक खाली रहेगा, इन फ्यूचर कभी कुछ लगाना हो तो। फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का आएगा, इन सबको अभी भर देंगे। और बैक स्पीकर के लिए इधर से मेन वॉल्यूम इधर से निकाल दिया। ये स्पीकर लेफ्ट राइट दोनों में है, मतलब एक ग्राउंड एक पॉजिटिव, ग्राउंड एक पॉजिटिव, दोनों अलग अलग चैनल के लिए। तो कैमरा कर लेता हूँ मैं अपना सेट और इसको लगा के सिर्फ चालू करके दिखाता हूँ कि ये चलता कैसा है। और ये वायर जो दोस्तों थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, आप थोड़ा कट करके अपने हिसाब से इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि बड़ी वायर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वायर उतनी ही होनी चाहिए। और इसको चेक करने से पहले दोस्तों टेस्टर रखिएगा अपने पास, और टेस्टर में लगा कर चेक कर लीजिएगा। तो एम्पलीफायर में लाइट आ चुकी है, बट जो हमारे कार्ड में लाइट अभी भी नहीं आई। तो हमारे कार्ड में लाइट क्यों नहीं आई उसको देखना होगा कि हमारे कार्ड में लाइट क्यों नहीं आ रही, तो उसको देख लेते हैं। कार्ड में लाइट ना आने का कारण क्या है, तो इसको खोल के। तो दोस्तों वो भी हमने दिक्कत सही कर लिया, वायरिंग यहाँ से लगी हुई नहीं थी, एक वायर टूटी हुई थी। तो ये हो चुका है तैयार, और ये लगा दिया हमने सेट। और ये कर लेता हूँ मैं एक अपना स्पीकर का वायर कनेक्ट, और फिर दिखाता हूँ कि क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसको कर लेता हूँ मैं कनेक्ट, और फिर इसको चला के दिखाते हैं आपको, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो एक लगा दिया हमने, ये वाला हमारा ग्राउंड है इधर वाला दोस्तों। तो ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब सीधा लगाते हैं इसको लाइट में, ये हो गया हमारा ढक्कन प्रॉपर बंद, और ये प्लग इसका लगा देते हैं इधर, और टेस्टर से कर लेते हैं चेक। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा वर्क कर रहा है, और ये कनेक्ट भी होता है हो चुका है। तो रात के बज चुके हैं दोस्तों अभी 12, तो सॉरी साउंड टेस्ट तो मैं अभी नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा लेट हम हो चुके हैं साउंड टेस्ट कराने के लिए। तो ये लगा लेते हैं, और इसकी एक छोटी सी क्लिप दोपहर में या दिन में एक दिन बाद साउंड टेस्ट की आपको मिल जाएगी, या हो सकता है कल ही इसकी साउंड टेस्ट की वीडियो में डाल लूँ। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और वीडियो को अंत तक देखा हो तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।